नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निका ग्राम में। दोस्तों, जितने लोग भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या फिर पीसी हो, उसमें से 90-95% लोग अपने विंडोज में लॉगिन पासवर्ड को सेट करके रखते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने विंडोज के लॉगिन पासवर्ड को भूल जाते हैं, पासवर्ड याद करने की कोशिश करते हैं, नहीं याद होता है, अपने लेवल पे वो पूरा कोशिश कर लेते हैं कि पासवर्ड को रिसेट कर लें, लेकिन जब पासवर्ड रिसेट नहीं हो पाता है तो लास्ट में हार थक के वो किसी रिपेयरिंग शॉप में जाते हैं, जहां पे उनसे अच्छा खासा पैसा मांगा जाता है। या फिर अगर वो कोशिश करते हैं किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने पासवर्ड को रिसेट करने का, तो वो जितना भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आता है वो सब पेड होता है, उसके लिए पैसे पे करने होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से 2 से 3 मिनट के अंदर अपने विंडोज के लॉगिन पासवर्ड को रिसेट कर पाएंगे। उसके लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना होगा, कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आपको नहीं करना होगा। चाहे आप अपने कंप्यूटर में विंडोज 7 का इस्तेमाल करते हो, 8 का करते हो या फिर 10 का करते हो, कोई भी विंडोज इस्तेमाल करते हो, सब में पासवर्ड रिसेट करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा और सब में टाइम उतना ही लगेगा, 2 से 3 मिनट। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि विंडोज के लॉगिन पासवर्ड को कैसे रिसेट करते हैं, उसको बाईपास कैसे करते हैं, या फिर यू कहें बिना पासवर्ड के अपने विंडोज को कैसे लॉगिन करते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए इसी नए नए टॉपिक्स पे नए नए वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, किसी भी विंडोज के लॉगिन पासवर्ड को रीसेट करने के लिए, बाईपास करने के लिए, या फिर बिना पासवर्ड के विंडोज को लॉगिन करने के लिए आपके पास होना चाहिए उस विंडोज का एक बूटेबल पेन ड्राइव या फिर बूटेबल डीवीडी। जैसे कि अगर आप अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं विंडोज 7 और आप अपने विंडोज 7 के लॉगिन पासवर्ड को भूल गए हैं, फिर आपके पास होना चाहिए विंडोज 7 का एक बूटेबल पेन ड्राइव या फिर बूटेबल डीवीडी। वैसे ही अगर आप अपने कंप्यूटर में विंडोज 8 का इस्तेमाल करते हैं या फिर विंडोज 10 का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास विंडोज 10 का एक बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए या फिर बूटेबल डीवीडी होना चाहिए, दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं, तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख करके आप अपने किसी भी पेन ड्राइव को बहुत ही आसानी से बूटेबल बना सकते हैं। और बूटेबल बनाने के लिए आप अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं, उसके लिए आप अपने किसी रिलेटिव या फिर किसी फ्रेंड के लैपटॉप या फिर पीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव या फिर डीवीडी रेडी हो जाने के बाद से विंडोज के लॉगिन पासवर्ड को कैसे रिसेट करना है, उसका क्या प्रोसेस है आगे, चलिए आप वो देखते हैं। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैं अपने लॉगिन पेज पे हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं पासवर्ड डाल के जब इंटर करता हूँ तो यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है, मैं अपने लैपटॉप में यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। फिर से पासवर्ड डालता हूँ, इंटर करता हूँ, फिर से यहाँ पे गलत पासवर्ड बता रहा है। कितना भी कोशिश करने के बाद भी मैं अपने लैपटॉप को यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने विंडोज के लॉगिन पासवर्ड को भूल गया हूँ। अब यहाँ पे विंडोज के इस लॉगिन पासवर्ड को रीसेट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप अपने कंप्यूटर में जिस भी विंडोज का इस्तेमाल करते हैं उस विंडोज का आपके पास एक बूटेबल पेन ड्राइव या फिर एक बूटेबल डीवीडी, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पास विंडोज 10 का एक बूटेबल पेन ड्राइव है, क्योंकि मेरे इस लैपटॉप में विंडोज 10 इंस्टॉल है। तो आपको यहां पे क्या करना है, आपको अपने बूटेबल पेन ड्राइव को या फिर डीवीडी है उसको डीवीडी को लगा लेना है अपने कंप्यूटर में। कंप्यूटर में लगाने के बाद से यहां पे आपको नीचे पावर बटन दिखेगा, आपको यहां पावर बटन पे क्लिक करना है, यहां रीस्टार्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपको यहां रीस्टार्ट पे क्लिक करना है। और अब आपको अपने कंप्यूटर को हार्ड डिस्क से बूट नहीं करना है, बल्कि आपने जो पेन ड्राइव लगाया है बूटेबल या फिर डीवीडी, उससे आपको बूट करना है। अगर आपने पहले कभी अपने कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल किया होगा तो ये सारा प्रोसेस आपको पता होगा कि कैसे बूट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी से मैं आपको पहले बता देता हूं। अगर आप पीसी यानी कि डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने पेन ड्राइव या डीवीडी को लगाना है, यहाँ रीस्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, आपको अपने कीबोर्ड पे डिलीट बटन को 4-5 बार दबाना है, आप बायोस के अंदर चले जाएंगे।
बायोस के अंदर आपको बूट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाना है। बूट के अंदर आपको फर्स्ट बूट डिवाइस में अपने पेन ड्राइव को या फिर डीवीडी को सिलेक्ट करना है, अपने कीबोर्ड पे F10 प्रेस करना है और इंटर कर देना है। आपका कंप्यूटर बूट कर जाएगा आपके पेन ड्राइव से या फिर डीवीडी से। लेकिन अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग की होता है बूट करने के लिए। किसी में F12 होता है, किसी में F10 होता है और किसी में F2 होता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपका लैपटॉप किस की से बूट करेगा तो आप उसको गूगल पे बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन यही 3-4 की होता है। अगर आप HP का लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो मैं बता देता हूं, क्योंकि अभी मैं जो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूं वो HP का है। आपको यहां पेन ड्राइव लगा के रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आपका लैपटॉप रीस्टार्ट होगा, आपको अपने कीबोर्ड पे फंक्शन की के साथ F12 प्रेस करना है 3-4 बार। आपका लैपटॉप यहां आपके पेन ड्राइव या फिर DVD से बूट कर जाएगा। आपको यहां स्क्रीन पे ऑप्शन मिलेगा, आप वहां से सिलेक्ट करेंगे पेन ड्राइव को या फिर DVD को, इंटर करेंगे और वो बूट कर जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से अपने कंप्यूटर को यहां पे बूट कर लेता हूं अपने पेन ड्राइव से। अब यहाँ पे दोस्तों विंडोज सेटअप का पेज ओपन होगा। इस पेज पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे तो आपको विंडोज इंस्टॉल करना नहीं है अपने कंप्यूटर में, यहाँ पे आपको अपने विंडोज के लॉगिन पासवर्ड को रिसेट करना है। उसके लिए कुछ सेटिंग्स करना है आपको। तो यहाँ पे नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा, रिपेयर योर कंप्यूटर। आपको यहाँ रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ट्रबल शूट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा कमांड प्रॉम्प्ट का, आपको यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को इसलिए ओपन किया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा लॉगिन पेज पे जहाँ पे आप पासवर्ड डालते हैं, जो पासवर्ड आप भूल गए हैं, उसी पेज पे राइट बॉटम में आपको एक ऑप्शन दिखेगा ईज ऑफ एक्सेस का। आप जब ईज ऑफ एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर से दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा मैग्नीफायर का। दोस्तों मैग्नीफायर विंडोज का एक टूल है जिससे स्क्रीन को जूम करके देखा जाता है, लेकिन लॉगिन पेज पे मैग्नीफायर की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, मैग्नीफायर को कमांड प्रॉम्प्ट से रिप्लेस कर देंगे। जब भी हम मैग्नीफायर को ओपन करेंगे तो वहां पे मैग्नीफायर ओपन नहीं होगा बल्कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, और जब कमांड प्रॉम्प्ट वहां पे ओपन होगा तो हम वहां से बहुत ही आसानी से कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से सिर्फ एक छोटा सा कमांड डाल के अपने विंडोज के लॉगिन पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो अब यहां पे मैग्नीफायर को कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे रिप्लेस करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे आपको C:: लिख के इंटर करना है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि यही सी ड्राइव है या नहीं। अब इसको कैसे कंफर्म करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है CD स्पेस विंडोज और इंटर करना है। अगर आपको यहाँ पे विंडोज फोल्डर मिल जाता है दैट मीन्स कि ये सी ड्राइव है, नहीं तो नहीं है। यहाँ पे देखिए विंडोज फोल्डर नहीं मिला, यहाँ पे लिखा है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ D:: टाइप करना है, इंटर करना है, फिर से आपको यहाँ पे लिखना है CD स्पेस विंडोज और इंटर करना है। यहाँ भी विंडोज फोल्डर नहीं मिला, यहाँ भी लिख रहा है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, इसका मतलब कि ये भी सी ड्राइव नहीं है। अब आपको यहाँ पे E:: लिख के इंटर करना है, फिर से इसको विंडोज फोल्डर ढूंढने के लिए यहाँ पे आपको CD स्पेस विंडोज लिखना है और इंटर कर देना है। यहाँ पे देखिए विंडोज फोल्डर मिल गया, दैट मीन्स के ये सी ड्राइव है, ई ही सी ड्राइव है। अब आप यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि ई कैसे सी ड्राइव हो सकता है, सी ड्राइव तो सी ही होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं दोस्तों, जब आप अपने कंप्यूटर को बूटेबल पेन ड्राइव या फिर DVD से बूट करते हैं तो आपके सी ड्राइव का लोकेशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ई ही सी ड्राइव है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कंफर्म हो गया कि सी ड्राइव यही है, तो यहाँ इसके इसमें आपको सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर जाना है। उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है CD स्पेस सिस्टम 32 और इंटर करना है। आप यहाँ सिस्टम 32 के अंदर आ जाएंगे। मैं यहाँ पे जितना भी कमांड डाल रहा हूँ वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के अब आप देख सकते हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ पे टाइप करना है REN स्पेस मैग्नीफाई .exe स्पेस abc.exe। abc के जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैग्नीफाई 1 कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये समझ लो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कमांड देने से होगा क्या, मैग्नीफाई का जो फोल्डर है वहाँ पे फाइल है हमारे सी ड्राइव में सिस्टम 32 के अंदर, इस फाइल के अंदर जितना भी फाइल है उस सब को हम abc.exe में रिप्लेस कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, मैग्नीफाई.exe यहाँ पे खाली हो जाएगा। तो उसके बाद जब खाली हो जाएगा तो इसके अंदर हम किसी भी एप्लीकेशन के फाइल को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं।
तो इसको खाली करने के लिए magnify.exe का आपको ये टाइप करके REN स्पेस magnify.exe स्पेस abc.exe इंटर कर देना है। इंटर कर दिया, अब यहाँ पे क्या हो गया, magnify.exe का जो फाइल है सिस्टम 32 के अंदर वो खाली हो गया, उसका पूरा फाइल चला गया इसके अंदर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आपको कमांड टाइप करना है REN स्पेस cmd.exe स्पेस magnify.exe। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले हमने उस फोल्डर को खाली कर दिया मैग्नीफाई वाले का, अब वो वहाँ पे खाली पड़ा है। अब हम cmd यानी कमांड प्रॉम्प्ट के सारे फाइल को यहाँ magnify.exe में यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, उसमें सारा भेज रहे हैं, ताकि लॉगिन पेज पे जब हम मैग्नीफाई को ओपन करें तो वहाँ पे मैग्नीफायर ना ओपन हो बल्कि वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो, और यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे हमारा मैग्नीफायर कमांड प्रॉम्प्ट में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे काम खत्म हो गया, सिंपल आपको यहाँ पे एग्जिट करना है और इंटर करना है। यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, लेकिन रीस्टार्ट करने के टाइम आपको ध्यान देना है, जैसे आप रीस्टार्ट करेंगे आपको अपने कंप्यूटर से अपने बूटेबल पेन ड्राइव को या फिर अगर DVD लगाया है उसको बाहर निकाल लेना है, नहीं तो आपका कंप्यूटर दोबारा से बूट कर जाएगा। रीस्टार्ट करने के बाद दोस्तों हम वापस यहां आ गए लॉगिन पेज पे, और जैसा कि मैंने आपको यहां ईज ऑफ एक्सेस के बारे में बताया था और मैग्नीफायर के बारे में बताया था, यहां देखिए ईज ऑफ एक्सेस पे अब आपको क्लिक करना है। यहां पे मैग्नीफायर आपको दिख रहा है, मैग्नीफायर पे अब क्लिक करिए। अब देखिए यहां पे मैग्नीफायर ओपन नहीं हो रहा है बल्कि यहां पे अब ओपन हो रहा है यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे अब दोस्तों आपको सिर्फ एक छोटा सा कमांड डालना है और आपके विंडोज़ का लॉगिन पासवर्ड देखिए कितना आसानी से रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है LUSRMGR लिख के आपको यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे लॉगिन यूज़र मैनेजर का पेज ओपन हो जाएगा देखिए, और इस पेज पे देखिए आपको दो ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, एक यूज़र और एक ग्रुप्स। आपको यहाँ यूज़र पे डबल क्लिक करना है, जितने भी यूज़र्स होंगे उस पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपके आपका कौन सा यूज़र है, आपने अपने कंप्यूटर में क्या नाम रखा है जहाँ पे लॉगिन करते हैं। मेरे केस में यहाँ पे देखिए टेक्निकल ग्राम है, तो आपको अपने यूज़र पे राइट माउस क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सेट पासवर्ड का। आपको यहाँ सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए सेट पासवर्ड का पेज ओपन होगा जहाँ से लिखा हुआ है न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड नहीं मांग रहा है, आपको सिर्फ यहाँ पे न्यू पासवर्ड मांग रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, दोबारा उसको कन्फर्म करना है। आप कोई भी पासवर्ड नहीं देना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है और देखिए द पासवर्ड हैज बीन सेट, सिंपल ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पे पासवर्ड हमारा रीसेट हो गया। अब इस सब को बंद कर देना है, देखिए क्योंकि मैंने कोई भी पासवर्ड नहीं दिया था तो सिंपल यहाँ एरो की पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे अब आप देखेंगे मेरा यहाँ पे लैपटॉप बहुत ही आसानी से लॉगिन हो जाएगा क्योंकि मैंने अपने पासवर्ड को यहाँ पे रीसेट कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है आप अपने विंडोज के लॉगिन पासवर्ड को ये वीडियो देखने के बाद से बहुत ही आसानी से रीसेट कर पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो दोस्तों आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।